Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now our topic is Archimedes principle. अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं इनका प्रिंसिपल क्या कहता है वो समझते हैं. According to the Archimedes principle, whenever an object is immersed in the liquid fully or partially, मतलब एक लिक्विड है उसमें आप कोई भी चीज को डाल रहे हो. फुली मतलब जैसे ये माउस ने मैंने पूरा डिप कर दिया, दैट इज लाइक फुली इमर्स करना. एंड अगर मैंने हाफ डिप किया तो दैट इज partially उसको इंसर्ट करना. The liquid exert an upward force upon the object. ये चीज हम पढ़ के आए कि वो जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो कि कौन सा होता है, बॉयंसी फोर्स होता है. The amount of that force is equivalent to the weight of the liquid displaced by the object. मेन चीज यहाँ पे समझनी है ये है. अब वो कह रहे हैं वो जो फोर्स है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ये एक पानी है इस बीकर में एंड इसके अंदर कोई चीज डाली है. अब यहाँ पे जो ये फोर्स लगी है, जो ये यहाँ पे बॉयंसी फोर्स एक तरीके से कह सकते हो, वो फोर्स अगर मैं कहूँ कि कितनी फोर्स लगी है वो कैसे पता चलेगा, तो इन्होंने कहा कि वो फोर्स इक्वल होगा. जैसे जब भी आप अगर पानी मान लो पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, जैसे ही उसमें कोई चीज डालोगे पानी बाहर निकल जाएगा. एक बॉटल है भाई, पूरी आपने उसमें भर रखी है और उसमें आपने एक फिंगर भी इंसर्ट करोगे तो पानी बाहर आ जाएगा. तो वो कह रही है वो फोर्स इक्वल होगी किसके, जितना उसने पानी डिस्प्लेस किया है, मतलब जितना वो लिक्विड बाहर आया है वो उसका मास निकाल लो, उतना ही बराबर होगा कि भैया इतना फोर्स लगाया है इसलिए उतना पानी. अब इसमें एक चीज और भी है, देखो अगर एक सिंपल सा इनको समझने के लिए बात कर रही हूँ, पूरा एक आपने बॉल भर लिया पानी से, उसमें आप फिंगर को बड़ा हल्के से लेके गए, ठीक है, तो वो जितना पानी उसमें निकला वो उस पानी का कलेक्टिवली जितना भी पानी निकला उसको वे करोगे उतना ही फोर्स उस लिक्विड ने लगाया होगा, ठीक है. इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो. कोई भी चीज है ना, जैसे अगर ये माउस भी है, लेट्स सपोज इसका वेट 500 ग्राम्स है फॉर एग्जाम्पल. जब ये पानी के अंदर जाएगा ना तो इसका वेट अगर हम करेंगे तो वो कम हो जाएगा, 500 ग्राम्स नहीं आएगा, ठीक है. ये एक बेसिक चीज है जो हर जगह है, वो यूनिवर्सली ये वैलिड होता है. तो यहाँ पे देखो क्या किया है, लेट्स सपोज ये एक चीज ले ली इन्होंने एंड इसका वेट लिया कितना है, तो ये था जी 10 kg का, ठीक है. अब एक बीकर नीचे दिख रहा है पानी का भरा हुआ है और एक आपके पास पट्टा सा है जो कि ब्लॉक है बेसिकली 10 kg का, ओके जी. सो अब क्या किया, उस 10 kg को लटका के ही इसके अंदर डाल दिया पानी के अंदर. पहली बात तो जैसे ही पानी के अंदर डाला तो जी लिक्विड बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है, वो भी चलो बाद में जाएंगे. अब अगर मैंने इस ब्लॉक का वेट किया तो वो कितना था, इस ब्लॉक का वेट आया 6 kg और बाहर जितना पानी निकला है उसका वेट आया है 4 kg. पहली बात तो यहाँ पे इस ब्लॉक ने जितना पानी बाहर निकाल दिया, अगर इसका वेट 6 किलो का हो गया तो वो वेट ये 4 किलो पानी उसने बाहर निकाल दिया, मतलब ये इसका जो डिफरेंस है उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ है. बट अभी के लिए वो भी भूल जाओ. यहाँ पे समझने वाला था कि जैसे ही आपने इसमें एक ब्लॉक को पानी के अंदर डाला तो ये बॉयंसी फोर्स ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से एक फोर्स लगा. अब वो फोर्स कितना लगा, वो फोर्स लगा है 4N का, क्योंकि उसने पानी जितना बाहर गिराया है वो समझ लो 4 kg का है, तो इतना फोर्स उसने लगाया होगा जितना पानी बाहर आया है, ठीक है. इतनी चीज क्लियर है. एक लिक्विड है उसके अंदर जब भी आप कोई चीज डालोगे तो जो फोर्स लिक्विड एक्सर्ट करता है वो बराबर होगा जितना वो पानी बाहर डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है. बस यही है हमारा पूरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में. अब यहाँ पे देखो ये चीजें यूज कहाँ पे होती हैं. सो सबमरीन्स हैव अ टैंक कॉल्ड बॉयंसी टैंक. ये सबमरीन्स आपने देखा होगा पानी के अंदर इस तरीके से कुछ ऐसी सी शेप होती है इसकी, तो पानी के अंदर ये जाती है. अब इसके अंदर एक बॉयंसी टैंक होता है. उस टैंक का क्या काम होता है, व्हेनेवर द सबमरीन नीड्स टू बी टेकन इनसाइड वाटर द टैंक इज फिल्ड व्हिच दस इंक्रीजेस द वेट ऑफ द सबमरीन. अब मान लो कि यहाँ पे चलो इतना सा पार्ट है जो यूज होता है और ये पूरा ये जो मैं यहाँ पे शेड करती हुई चल रही हूँ ये पूरा हमारा समझ लो ये बॉयंसी टैंक है. वैसे तो इसका वेट कम है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है आराम से. अब वो क्या करते हैं, यहाँ से जी ओपन करते हैं, सारा पानी अंदर खींचना शुरू कर दे, तो जब ये पानी से भर जाएगी, अब जैसे 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 पानी इसमें आता रहेगा ये भरती जाएगी और इसका वेट भारी होता जाएगा तो ये पानी के अंदर जाना शुरू कर देगी, मतलब पानी में सिंक होने लग जाएगी. तो फिर समझ आ गया। सिमिलरली व्हेन द सबमरीन इज टू अपीयर अबव वाटर द टैंक इज एम्प्टीड एंड द वेट ऑफ द सबमरीन बिकम्स लाइटर एंड इट राइजेस अबव द वाटर। तो जी अब क्या करना है, इनको अब कह रहे हैं नहीं 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 जी सबमरीन को पानी के अंदर वाला काम होगा, इसको फिर से ऊपर ले आओ। तो ये जो पानी भरा था खोल दो जी, यहाँ से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये जैसे ही पानी निकलता जाएगा सबमरीन हल्की होती जा रही है और वो ऊपर आ जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है जी शिप्स आर हेवियर देन वाटर। अच्छा भैया ये बड़ा एक कंसेप्ट है कि शिप जो होती है वो तो बहुत भारी होती है पानी से, हम यूजली कहते हैं जो चीज भारी होती है वो पानी में डूब जाएगी। तो जो शिप होती है वो डूबती क्यों नहीं है, मतलब टाइटैनिक डूब गई थी बट अदर रीजन से। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शिप इतनी हैवी होने के बाद भी डूबती क्यों नहीं है पानी में। सो शिप्स आर हैवियर देन वाटर, वाटर के कंपैरिजन में भारी हैं बट देयर यूनिक शेप, ये जो शिप की जो शेप होती है वो यूनिक शेप है, गिव्स देम अ लार्ज वॉल्यूम। इससे क्या ऐसी शेप क्यों बनाते हैं उसकी कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाए, एंड देयर वॉल्यूम इज लार्जर देन देयर वेट, और उसका जो वेट है उससे भी बड़ा उसका वॉल्यूम कर दिया है, मतलब उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई है, वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है उसका। एंड हेंस द वाटर डिस्प्लेस बाय अ शिप प्रोवाइड्स इट विद द राइट अप थ्रस्ट सो दैट इट कैन फ्लोट ऑन वाटर। तो अब ये जो वॉल्यूम है क्योंकि वॉल्यूम इतना ज्यादा है ये एक एक्यूरेट अप थ्रस्ट लगाता है जिससे कि वो पानी में सिंक नहीं होती, फ्लोट करते हैं। ये सब चीजें कैसे मेजर हो रही हैं, ये जो इन्होंने ये बता दिया था ना कि कितना फोर्स लगेगा, कैलकुलेशन वगैरह सब इन्होंने बता दी, तो वहां से हमने इसकी हेल्प से ये सब चीजें कर पाए हम। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी, बट वी विल टेक दिस इन दी नेक्स्ट सेशन विच इज गोइंग टू बी आवर लास्ट टॉपिक। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय।